हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र, क्योंकि दोस्त जॉब ज़रूरी है। जैसा कि दोस्त आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई और एनटीपीसी परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ये हमारा होगा प्रैक्टिस सेट 1, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आप आरआरबी जेई और एनटीपीसी परीक्षा के प्रैक्टिस सेट लाइए। तो दोस्त मैंने दोनों को कंबाइनली एक प्रैक्टिस सेट के रूप में बना दिया हूँ और ये आपका ALP CBT-1 पे आधारित है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूँ कि आखिर मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सिलेबस एक ही है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ALP का एग्जाम हुआ CBT-1, स्पेशली CBT-1 में बोल रहा हूँ, और दोस्त यहाँ पे RRB JE का जो CBT-1 होने वाला है और NTPC का CBT-1 होने वाला है, ये तीनों का सिलेबस अप्रॉक्स एक ही है। तो आप देख सकते हैं, आपको इससे फायदा होगा दोस्त कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्त मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरे 100 लाइक्स पूरे होते हैं। तो चलिए दोस्त, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेस्ट डेट यहाँ पे है 9/8/2018, यानी कि आपका 9 अगस्त 2018 का एग्ज़ाम जो हुआ था, सबसे पहला दिन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो इसका टाइमिंग है फर्स्ट शिफ्ट का दोस्त, और यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए ALP टेक्नीशियंस। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है कि आपको एक रफ शीट लेनी है, और रफ शीट पर आपको इस पहले इस क्वेश्चन का पढ़ना है। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके आपको क्वेश्चन को पढ़ने हैं, उसको सॉल्व करने हैं, और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आपको बताने हैं कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए और आपके स्कोर्स कितने बने। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्त जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। जैसे दोस्त मैं थोड़ा इलाज करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि इसको इमेज को मान लीजिए हम टर्न किए, राइट किए, लेफ्ट किए या फिर डायगोनली मूव किए, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका वैसा बनेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि इसे हम लोग इधर मोड़ दें, इसको इसे यदि घुमा दें हम, तो ये वाला फिगर आपका बन जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त यहाँ पर आपका डी, यानी कि यहाँ पर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। और जैसा कि मुझे पता है कि आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल सॉल्व कीजिए दोस्त, क्योंकि आपको आने वाले एग्जामों में आपको काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है। तो दोस्त जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, यानी कि द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंट इज। तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंट का SI यूनिट होता है ओम। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा में दिशा के विपरीत होती है, यानी जो दोस्त रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलेरेशन जो होती है तो वो किसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जैसा कि दोस्त मैं बता दूं कि पहले आपकी कोई गाड़ी है वो चल रही है, तो इसका वेलोसिटी इधर है, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ कि जैसे आप देखिए कि आगे कोई ऑब्स्टेकल्स है, आगे कोई अवरोध है, तो आपने ब्रेक मारा तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा, लेकिन आपका वहीं पर अब रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन का दिशा आपका इधर होगा, जबकि आपका वेलोसिटी का दिशा इधर है, तो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट में ही नेगेटिव एक्सेलेरेशन लगा करती है। और इस तरह के प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको कंसेप्चुअली देख लीजिए। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ क्या कहता है क्वेश्चन में कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि किलोवाट आवर भी एक दिस इज द यूनिट ऑफ इसका, ये वर्क का यूनिट है और आपका जूल भी वर्क का यूनिट है। तो हम लोग इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पहले किलोवाट को कन्वर्ट करना है वाट में, यानी 1000 वाट हो जाएगा, 1 किलोवाट और 1000 वाट, और आपको आवर है तो आवर को आपको तब्दील कर देना है सेकंड में, यानी 3600 सेकंड। तो आप दोनों को गुना कीजिएगा दोस्त, तो आपको यहाँ से मिलेगा 36 × 10^5 जूल। इसको आप 3.6 × 10^6 जूल भी लिख सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन 4 सही है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, यानी कि जो ऑक्टेव का जो क्लासिफिकेशन था तो उसमें सबसे लास्ट में जो एलिमेंट था वो कौन था। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन थी, और ये
आप इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थोरियम, इसका राइट आंसर होगा, आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों से बनेगा जिनको ये चीज़, ये डाटा उनको याद होगी, अदरवाइज इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगने वाला है, ना इसमें मैथमेटिक्स है ना रीजनिंग है। तो आपको थोड़े स्टैटिक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं साइंस से भी, और एक केमिस्ट्री का प्रश्न था दोस्तों। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान यानी फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है, जो भारतीय ओलंपिक संघ है यानी कि आप बोल सकते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इनके जो अध्यक्ष हैं दोस्त वो हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा साहब। चलिए ये तो रही क्वेश्चंस आपका था करेंट अफेयर्स से। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। जहाँ दोस्तों ये बहुत ही अजीब तरह का प्रश्न था, इस शिफ्ट में जिस चीज बच्चा का आया ये प्रश्न, ये किसी बच्चे ने नहीं लगाया, क्योंकि काफ़ी एक एक तरह से एक आप बोल सकते हैं कि माइंड टेस्टिंग क्वेश्चन था, आपका यहाँ पे दिमाग का टेस्टिंग होने वाला था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं बता दूं पहले ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, पहला आपका दिया हुआ 3, वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये आपका ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। जबकि बात करें हम 10 की दोस्तों, ये भी 10 भी आपका ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, और बात कर ले हम 5 की दोस्तों, 5 भी नहीं है। तो जो बचा दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। चलिए ऑप्शन नंबर 2 आगे हम लोग देख लेते हैं कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखो भैया ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCO, CaO, Cl2 ही होता है। अब इसको तुम वाटर में मिला रहे हो यानी कि इसे H2O से रिएक्शन करा रहे हो, तो जो गैस निकलेगी वो गैस आपको निकलने वाली है क्लोरीन का। या तो आप इसको याद करने के लिए एक अच्छा मैट्रिक आपको बताता हूँ, जैसे आप यूरिनल, जहाँ मान लीजिए आप कहीं रेलवे जंक्शन पर गए तो आप देखते होंगे कुछ उजला उजला सा पाउडर छिटा हुआ रहता है, और वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको ऐसा मतलब गंध देगा जो आपको मतलब उस गंध को आप सही नहीं पाइएगा, और जो गंध होता है दोस्त वो होता है क्लोरीन। यहाँ पे आपको जो ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और आपका वाटर दोनों रिएक्शन करता है और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलती है, और आपको पता होगा क्लोरीन गैस जो निकलती है वो क्या करती है, जो आपके आसपास के कीटाणु होती है उनको मार देती है, तो इसी चलते हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है क्लोरीन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही बना दीजिएगा। कहता है कि निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है जो ग्रेटर देन इसमें से, मतलब कि आपको कुछ नहीं इसमें करना है, 29/6 दिया हुआ है और 43/12, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको इसका इनइक्वलिटी, जिसको इनइक्वलिटी बोलते हैं हम लोग, बताना है इसका। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए। चलिए दोस्त, तो मुझे जैसा कि पता है कि आप इस क्वेश्चन को बखूबी अच्छे तरीके से बनाए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में पद चिन्ह जो वाट यहाँ पर दिया होगा, वाट क्या होगा, द्वारा दिखाया गया अनुपस्थित है, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है, एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, और जहाँ वाट का सिंबल है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपको यही बताना है। तो देखिए दोस्त, आपको यहाँ पर लिखा हुआ ST, TU, UV और BW, तो आप देख सकते हैं कि एस सबका पहला टर्म देखिए S, T, U, V, अगला क्या है दोस्त W, W एक हो गया। अब दूसरा टर्म देखते हैं T, U, V, W और यहाँ पे क्या होगा दोस्त X, यानी कि दोनों का एक एक टर्म बढ़ रहा है, +1, +1, +1 सब में हो रहा है, तो WX इसका राइट आंसर होगा। एक काफ़ी आसान प्रश्न थी, मुझे पता है कि आपने इसको सोल्व कर दिया होगा, यदि आपने सोल्व नहीं किया होगा तो मैं जो बताया हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो आप एग्जाम में एक कंसेप्ट एक टाइप को आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तपस अरबी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया, मान लीजिए केक है, ठीक है, मान लीजिए उनका बर्थडे था और वहाँ उनके घर में 3 लोग थे, तपसी अरबी और ऋषि, उनको केक बांटा गया, तो चलिए तपस को मिल गया हाफ केक, जो भी केक था उसका 50% उन्हें मिल गया, और जो बाकी ऋषि था ऋषि को मिला 1/3। तो कह रहा है कि बाकी जो बचा हुआ है तो शेष जो केक है जो अभी को प्राप्त हुआ, तो अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ दोस्तों, आपको 1 - 1/2 - 1/3 आपको करना था, जहाँ से आप इसको एलसीएम लेते तो 6 होता था, 6 - 3 - 2 यानी आपको यहाँ से 1/6 भाग यहाँ पे आपको मिलने वाला है अभी को, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी आप अपरिमेय का मतलब है इरेशनल, यानी इरेशनल कहने का मतलब क्या हुआ दोस्त, जो P/Q के फॉर्म में न लिखा जाए, और रेशनल किसे बोलते हैं दोस्त, तो रेशनल हम उसे बोलते हैं जिसमें P/Q के फॉर्म में लिख दें और Q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या।
तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबको आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो आपको वर्गमूल, जैसा कि मुझे पता है कि आपको वर्गमूल निकालने आता होगा, नहीं तो मैं एक आपको सजेशन दे दूँ कि एटलीस्ट कम से कम आपको 35 से 40 तक का वर्गमूल, सॉरी 40 तक कम से कम आपको वर्गमूल कंठस्थ होना है। यदि आपको रेलवे का एग्जाम देना है तो रेलवे वर्गमूल से बहुत सारी प्रश्न पूछती है, और उस वर्गमूल को आप याद किए हुए हो, उस घनमूल को आप याद किए हुए हो, तो आपको काफ़ी टाइम बचेगी और उस टाइम को आप किसी दूसरे प्रश्न में लगा सकते हो। तो चलिए दोस्त, आप यहाँ पे इसको मैंने जान गया होगा, मैंने जान लिया कि आपने इसे आसानी से लगा दिया होगा। 248 को जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसका कुछ ऐसा कुछ इसमें रूट कुछ वगैरह आ जाएगा, यानी क्लियरली एक डिवाइड नहीं होने वाला है, कटने वाला नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्त। कहा था अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में देखिए दोस्त, एक होता है सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दोस्त, कि जो भी मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी यही बॉडी टूट जाएगा दो भाग में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ट्रेट, जो गुण, जो लक्षण, उसके जो उसको क्या बोल सकते हैं, जिनके पेरेंट्स में होता है वही उनके बच्चे में गुण ज़्यादा रहने के चांस है। जबकि बात करें हम दोस्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तरफ जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का जो होम होता है, दोनों टकराता है, दोनों जायगोट बनता है। तो इसमें क्या होता है दोस्त कि इसमें कुछ कैरेक्टर, कुछ आपका ट्रेट, कुछ लक्षण है जो उनके पेरेंट्स से, उनके बच्चे उनके ऑफस्प्रिंग में नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन से जा सकते हैं, तो आप क्लियरली देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा दोस्त कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जो नए जीव जो होते हैं जन्म लेते हैं, उनका जो माता पिता के जो कैरेक्टर है, लक्षण, उनसे ज़्यादा समानता होती है। चलिए दोस्तों, ये तो बात ये रहेगी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक आपको कप दिख रहा है, यहाँ पे एक फर्स्ट सेकंड थर्ड का अवार्ड दिख रहा है। और यहाँ पे आपको जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी मुख्य सदस्य होते हैं उनको ये बैच मिलता है, बैच दिख रहा है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, देखिए दोस्त, ऑप्शन हम लोग जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे विजुलाइज नहीं होंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है। तो देखिए दोस्त, पुस्तकें, पुस्तकें तो हो नहीं सकता है। शादी, शादी में क्या यार, वर्ल्ड कप शादी में क्या करोगे लेकर के, है कि नहीं? वहाँ पर शादी में क्या होता है, जयमाला होता है, उसमें दूल्हे और दुल्हन दुल्हन होती है। यहाँ पर तीन लोग हैं, तीन लोग और एक और कौन लोग आ गया, ये भी नहीं होगा। चलिए दोस्त, उत्सव एक ऑप्शन है, एक मीटिंग है। देखिए दोस्त, उत्सव यानी कि आप बोल सकते हो सेलिब्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ होगा कि मान लीजिए कि 400 मीटर का रेस हुआ होगा, 400 मीटर का रेस हुआ होगा दोस्त, तो उसमें फर्स्ट आएंगे कोई, सेकंड कोई आएंगे, कोई थर्ड आए होंगे, तो उन्हीं को यहाँ पे मेडल मिल रहा है दोस्त। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या है, उत्सव इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त कि आपको यहाँ पे ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे रेट आपको दिया हुआ है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष के लिए, उसका मतलब अमाउंट जो मिश्रधन होता है दोस्त 942 हो जाता है। तो कहता है कि आरंभ में कितना निवेश किया गया था, यानी कि आपको मूलधन निकालना, मूलधन कितना होगा। तो दोस्त आपको कुछ यहाँ पर नहीं करना है, आपको सिंपली आपको जाना है फार्मूला से। तो जैसा कि दोस्त आपको पता है कि आपको करना क्या है, आप पहले मूलधन को एक्स मान लीजिएगा, ऐसा बराबर क्या होगा, ऐसा बराबर होता है पी गुने पी आपका एक्स हो गया, आर आपका दिया हुआ है 9.5 गुने आर हो गया, टी आपका दिया हुआ है 6 वर्ष, बट आपको 100 कर देना है। यहाँ पर आपको एसआई, इससे आपको एसआई निकलेगा। तो आप एसआई को हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका यहाँ पे अमाउंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 942, अब प्रिंसिपल आपका एक्स है, तो आप यहाँ पे 942 माइनस एक्स कर दीजिए और बराबर एक्स इंटू 9.5 इंटू 6/100। इसको दोस्त आप सोल्व कीजिएगा तो काफ़ी आसान कैलकुलेशन है, इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों 600। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है, द रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट। जो एक टॉर्च होती है दोस्त, आपको मैं टॉर्च का फिगर बनाकर दिखा देता हूँ। तो टॉर्च में कौन सा कंसेप्ट होता है यूज दोस्त, यहाँ पे एक बल्ब होता है और ये स्पीड करता है, स्पीड मतलब फैलता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें स्पीडिंग होता होगा, उनसे जो लाइट उस पर पड़ती होगी उसके बाद लाइट है जो फैलती होगी। तो जी हाँ दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यानी कि हिंदी में बोले तो दोस्त अवतल दर्पण। चलिए ये भी बात हो गई। आगे देखिए, एक मैं बायोलॉजी का प्रश्न देखने वाला हूँ, बायोलॉजी का प्रश्न देखूंगा। यह रैन बियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो खाली स्थान में पाए जाते हैं, यानी मैं इंग्लिश के लिए पढ़ दूँ क्योंकि इंग्लिश वाले को भी कठिनाई ना हो। नोट्स ऑफ द रैन बियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन। देखिए दोस्तों, ये बायोलॉजी का प्रश्न काफ़ी अच्छी प्रश्न है, जो नॉर्मली जो हम लोग लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन से पता चले कि एग्जाम का लेवल है, थोड़ा इज्जत रहती है।
अदरवाइज मान लीजिए कि 75 प्रश्न, 75 में से 75 स्टूडेंट बना दे तो क्या होगा, क्वेश्चन सेटर को थोड़ी बेइज्जती होगी नहीं। तो इसके लिए कुछ ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ऐसे प्रश्न को छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये प्रश्न कोई नहीं लगाते हैं। चलिए तो यहाँ पर दोस्त आपका राइट आंसर इसका होगा दोस्त माइलिनकृत एक्जॉन। चलिए ये तो बात रही इसका, देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 मैथमेटिक्स है। इसमें कह रहा है कि अमर और अविनाश है जो 10,000 रुपये 15,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है, एक साझेदारी में, शेयर में। तो उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा कर, हम दोनों पार्टनरशिप करते हैं। तो पार्टनरशिप, दोनों पार्टनर बना, लेकिन कुछ वित्तीय समस्या हो गया। एक दोस्त है उनका अविनाश, दो लोग इन्वेस्ट किए थे, एक अमर किए थे अमर जी और एक किए थे अविनाश जी। तो क्या हुआ कि अविनाश जी को हो गया कुछ वित्तीय प्रॉब्लम, यानी फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत हो गई। तो क्या किए, 8 महीना में अपना पैसा निकाल लिए, जबकि अमर जी 12 महीना में अपना पैसा निकाले। तो कह रहा है कि बताइए दोनों का जो लाभ होगा उनका अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप तो मैं बता दूं कि यहाँ पे अमर जी ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, जबकि बात कर रहे हैं अविनाश जी की तो अविनाश जी यहाँ पे 15,000 रुपया इन्वेस्ट किए थे। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 10,000 गुने 12 और 15,000 गुने 8। यहाँ पे आपको दोनों में क्या मिलेगा दोस्त, यहाँ पे दोनों में आपको मिलने वाला है 1,200,000 और यहाँ पे भी 1,200,000 काटिएगा आप दोस्तों, 1:1 आ जाएगा आंसर आपका। क्योंकि दोस्त कितना रुपया इन्वेस्ट किया और कितना समय के लिए किया, दोनों का आपको गुना करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ गुना करना पड़ेगा 10,000 गुना 12, क्योंकि 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था अमर जी और अविनाश जी किए थे 15,000 रुपये, लेकिन 8 महीने के लिए किए थे। फिर दोनों का रेशियो निकाल देना है, आपको आसानी से प्रश्न लग गई होगी, इसका आंसर होगा 1:1। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन के लिए होता है। देखिए दोस्तों आपको यदि हिंदी में क्वेश्चन न पता चले तो आपको इंग्लिश देखना है, क्योंकि स्ट्रिक्टली वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि मान लीजिए कि हिंदी में कोई प्रश्न त्रुटि होती है उसमें तो आपको इंग्लिश वालों को सही माना जाएगा। तो दोस्त आपको इंग्लिश वाले पढ़ने हैं, भले आपको समझ में नहीं आते हैं लेकिन आप पढ़ लीजिए, हो सकेगा आपको समझ में आ जाए, आपसे उससे क्लियर हो जाए क्वेश्चन को और क्वेश्चन बन जाए। और ऐसा कई बार देखा गया है, और मैं हर स्टूडेंट को जरूर बोलता हूँ कि यदि आप हिंदी भाषी हैं तो आप इंग्लिश का भी प्रश्न जरूर देखें, थोड़ा हिम्मत से देखिए, हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको, कहता है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द मेटल ऑफ द हाई रिएक्टिविटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्यूरिफाइड मोल्टन ओर। तो प्यूरिफाइड मोल्टन ओर तो ऐसे उसमें बहुत सारे क्या होता है, गैंग पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे इंप्यूरिटी होता है, बहुत सारा उसमें जो अर्थी मटेरियल सिलिसियस मटेरियल होता है उसमें उसको हटा दिया जाएगा। मोल्टन ओर, जो मोल्टन ओर होता है काफ़ी हद तक शुद्ध होता है, इससे हमको प्राप्त करना है मेटल। तो इसके लिए दोस्त हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग, इसको आप जान लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस। एट द लास्ट एट द एंड जब आपका ओर है जो प्योरली लगभग प्यूरीफाई हो जाए उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और उसको उस मेटल को हम लोग प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ दोस्त, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है। देखिए यहाँ पे रिंग है, तो रिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हाथ में। अब हम लोग यूज मुकुट है, तो मुकुट हम लोग कहाँ यूज करेंगे, आपको सोचिए। पहला ऑप्शन हाथ में तो यूज करेंगे ही नहीं, ये आपका पैर, पैर में मुकुट क्या करोगे यार। ये आपका देखिए चेहरा दिखाया गया, चेहरा को हाईलाइट किया गया, तो चेहरा में मुकुट यूज कर गया कोई, क्या यहाँ पे फेयर लवली हो रहा है क्या कि चेहरा में लगाएगा जी नहीं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इसका एक लड़की का सिर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। चलिए दोस्त, और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने, जो मैं जानता हूँ कि वो स्टूडेंट नहीं है, मुझे अपने इस चैनल पे गाली देते हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है, बिल्कुल गलत चीज़ है दोस्त। कोई किसी को गाली दे बिल्कुल गलत चीज़ है, और मुझे पता है कि मुझे गाली स्टूडेंट नहीं देते हैं, मेरे जो कंपटीटर है जो मुझसे जलते हैं वो मुझे गाली देते हैं। खैर मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप जितना गाली दीजिए जो कीजिए, मैं जो सही चीज़ है मैं उसे डालूंगा, मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ और मैं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूँ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्त यहाँ पे कि दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए इसके अंकों का गुणनफल की 3 गुना है, यानी आपको फाइंड द 2-डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली 3 times द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी उसके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के 3 गुना है। ठीक है दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन आपको विद इन अ सेकंड करना है। तो ऐसा नहीं कि आपको नियम बनाने लगी है कि नियम से देखेंगे x है y है फिर 10x करेंगे प्लस y करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी जा सकते थे, काफ़ी आसान से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्त 12 सॉरी यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है कि 12 को आपको एक गुना 2 कीजिए तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 6 = 12 6 गुना, नहीं गलत है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 8 तो 4 8 क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे देखिए 12 तो यहाँ पे आपको सॉरी प्रोडक्ट करना है तो 4 × 8 क्या होता है 32 हो जाएगा जी,
तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 गुना तिगुना तो हो नहीं रहा, ये भी गलत। यहाँ देखिए 24 गुने तो 4 दुनिया 8, 38 24, यहाँ पे 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि आंसर 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कुछ ऑप्शन से भी जाया जाता है, ऑप्शन से भी आप जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप नियम लगाते रहिएगा, नियम लगाते ही रह जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्त, फरवरी 2018 में कोलकाता की आईपीएल टीम, तो कोलकाता नाइट राइडर थी, उसका मालिक कौन था? तो ये आप क्वेश्चन आसानी से लगा देते होंगे, क्योंकि आजकल के बच्चा कौन मैच नहीं देखता, हर कोई क्रिकेट का शौकीन है, क्रिकेट देखता है दोस्त, इसका शाहरुख खान होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है कि एक्स माइनस फाइव, क्या एक्स माइनस फाइव सम संख्या है, जबकि एक्स एक वास्तविक संख्या है, यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दे दिया गया है कि आपको एक्स माइनस फाइव सम संख्या है और एक्स वास्तविक संख्या है, आपको दो कथन दिया गया है, इस कथन से आप ऊपर वाले चीज़ को आप एक वेरीफाई करते हो, तो कथन क्या किया गया है दोस्तों, एक्स माइनस पंद्रह एक पूर्णांक है और एक्स माइनस दस एक विषम पूर्णांक है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा पहले मैं इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश पढ़ देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले बोलेंगे कि आप क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं बोल रहे हो, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही होगी पूर्णांक क्या होता है, विषम क्या होता है, तो उन्हें मैं इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश बोल देता हूँ। इज एक्स माइनस फाइव इवन, क्या कहता है, एक्स माइनस फाइव क्या इवन है, एक्स इज ए रियल नंबर, जबकि एक्स आपका रियल नंबर है। पहला दोस्त कहता है स्टेटमेंट वन, एक्स माइनस पंद्रह बिलोंग टू इंटीजर, यदि मान लीजिए कि एक्स माइनस पंद्रह है जो इंटीजर है, ठीक है, तो क्या एक्स माइनस पाँच है जो इवन हो सकता है, कोई जरूरी है दोस्त, नहीं हो सकता, यानी कि सफिशियंट। तो पहला आपका है एक्स माइनस पंद्रह बिलोंग टू इंटीजर, सफिशियंट कंडीशन नहीं है। जब हम बात करें दूसरा की ओर देखते हैं दोस्तों, तो एक्स माइनस टेन इज ऑड इंटीजर, मान लीजिए कोई एक्स है इंटीजर, एक्स माइनस दस अब ऑड है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ कि ऑड है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एक्स माइनस पाँच है जो इवन होगा। आप खुद एक एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं 19, देखिए 19 माइनस 10, यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 क्या है, 9 ऑड है, आपका फॉलो कर गया। अब देखिए 19 माइनस 5 करेंगे, यहाँ आपका 14, 14 क्या है दोस्तों, 14 सम संख्या, तो ये फॉलो कर गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि आपका जो स्टेटमेंट 2 है जो पर्याप्त है, स्टेटमेंट 1 है जो गलत है। तो देखिए दोस्त यहाँ पे क्या आंसर दे रहा है, आंसर दे रहा है केवल कथन 2 पर्याप्त है, लेकिन आपका 1 है जो अपर्याप्त है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, एक जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि किसी संविधान, किसी, देखिए यहाँ पे इरर कितना गलत रहा, गलत दे रहा है, किसी संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों को विभाजित की गई। देखिए तो ये तो माउंट बेटन योजना था, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पर माउंट बेटन योजना दिख नहीं रहा होगा, तो आपको अब इस ऑप्शन से जाना होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947, या फिर पाकिस्तान विभाजन अधिनियम, सॉरी भारत विभाजन अधिनियम 1947, या फिर पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। चलिए इसकी बात भी मैं कर ली, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कहता है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के बीच जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आप ग्रामीण जो परिप्रेक्ष्य के लोग हैं वो शहर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ रोजी रोटी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल रही है, और आप कृषि की बदहाली जानते ही हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, शहर में यहाँ पे आ जा रहे हैं, आकर बस जा रहे हैं। इसके कारण शहर के जो लोगों को दिक्कतों की सामना करनी पड़ रही है। तो इसका निष्कर्ष देखिए कि सरकार को शहर की पूर्ण योजना बनानी चाहिए, और अगला कहता है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाना चाहिए। क्लियर दिख रहा है दोस्त, ये दो है क्वेश्चन नंबर गलत है, जो निष्कर्ष दूसरा जो गलत है, जबकि निष्कर्ष वन है जो विचार में विमर्श का चीज़ है, जिसको हम लोग देखते हैं फिर से देखेंगे। तो क्योंकि दोस्त ये सब क्वेश्चन में मोस्टली लोग गलत कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब मेरे कुछ कंसेप्ट हैं उसके यदि आप फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को सही कीजिएगा दोस्त, तो यही आपको मेरिट लगाएगी। यही सब यदि आप सही कर दिए, 5-6 क्वेश्चन से रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन से 4 भी क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपके मेरिट लगना अनिवार्य हो जाएगा दोस्त। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सरकार को शहर विकास की पूर्ण योजना बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि मान लीजिए कि शहर है जो कंजेस्टेड हो रहा है, बहुत सारे लोग आ गए यहाँ पे, तो सरकार है तो क्या कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे फिर से पूर्ण योजना कीजिए, मतलब कि कुछ ऐसे आप स्कीम्स चलाइए जिससे मतलब शहर के लोगों को दिक्कत ना हो, और उन जो आ रहे हैं, जो आकर के बाहर से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से ग्रामीण क्षेत्र से आकर बस रहे हैं शहर में, तो उनका भी कोई एक आप सही जगह आवास दे दीजिए। चलिए दोस्त आगे हम लोग देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल आपका स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 तो क्लियर गलत मैंने कर दिया और बिल्कुल गलत आंसर दे भी रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस में मेरे गलत होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं जो आपका अवधारणा वाला प्रश्न का एक स्पेशल वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
और मैं उसमें आपको कुछ प्रश्न को बताऊंगा, और जो मैं लॉजिक जो यूज करता हूँ वो एक लिमिटेड लॉजिक है, 4 से 5 मैं लॉजिक आपको बताऊंगा और उसी लॉजिक से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 15376 का वर्गमूल है। देख भैया वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें मैं बताने वाला नहीं हूँ लेकिन मैं एक कंसेप्ट बताने वाला जरूर हूँ। जहाँ दोस्त यहाँ पे 6 आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 6 इसका मतलब क्या हो सकता है, या आपका या तो ऑप्शन लास्ट डिजिट आपका 4 होगा या तो आपका 6 होगा, यही दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए आपका कौन कौन है, 6 तो आपका है नहीं कोई, 4 है, 4 में 2 ऑप्शन है तो मैंने 2 ऑप्शन को तो ऐसे ही काट दिया 3 और 4 को, 122 और 128 होने वाला नहीं है। तो आप 124 और 134 में देख लीजिएगा, ये वर्गमूल क्या निकालूँ या आप वर्गमूल खुद से निकालिएगा। हाँ लेकिन मैं बता दूँ कि इसका राइट आंसर है दोस्तों 124। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको दर्पण दिया गया हुआ है, हेल्दी यहाँ लिखा हुआ, दर्पण आपको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लगाया हुआ है, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से, तो यहाँ पे दर्पण यहाँ लगाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इसको उल्टा क्या हो जाएगा, एच आपका जस का तस दिखेगा दोस्त, आपका ई भी इसी तरह का दिखेगा, जबकि बात करें हम ए की दोस्त तो ए आपका इस तरह का दिखेगा। चलिए एल की बात करें दोस्त तो एल आपका दिखेगा इस तरह का, और टी की बात करें दोस्त टी आपका दिखने वाला इस तरह। चलिए आगे हम लोग बात करें एच की तो एच तो जस का तस दिखेगा, और बाई की बात करें दोस्तों तो बाई आपका दिखने वाला है लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा इसमें मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 आपका मैच कर रहा है। चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्त कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेनी चाहिए, कार्यशाला कहने का मतलब लैब बोलिए चुपचाप आप, तो इसका अनुमान ये तो कथन में बोल दिया अनुमान, कि कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान को सामायिक बनाती है, दूसरा कार्यशालाएँ समय बर्बाद करती है। देखिए दोस्त कार्यशाला यानी कि जो लैब में लोग जाते हैं तो क्या इसमें लोगों का समय बर्बाद होता है, बिल्कुल गलत, क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत, यानी आपका अनुमान 2 है जो गलत। तो बात करें हम 1 की दोस्त, 1 आपका विचार एवं विमर्श का चीज़ है, इसको थोड़ा हम लोग फिर से देखेंगे क्योंकि इसमें आपको बहुत बार देखने होंगे, हर एंगल हर एस्पेक्ट से देखने होंगे। तो दोस्त जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से पढ़िए कथन को, जितने बार आप कथन को पढ़िएगा और अनुमान को पढ़िएगा एजप्शंस को पढ़िएगा आपका सही होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्त जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, तो कार्यशाला दो देखिए दोस्त यदि मान लीजिए कि अध्यापक हैं टीचर हैं, ठीक है, टीचर यदि लैब में भाग लेते हैं तो उन्हें भी कई नई नई चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा और कई नई चीज़ों को सीखेंगे वो, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्यशाला में अध्यापकों के ज्ञान को सामायिक बनाते हैं, मतलब उनको और ज्ञान को उनको क्या कहता है डेवलप कर देता है, अपडेट कर देता है। चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्लियर दिख रहा है आपको, मैं क्या बताऊँ इसमें आप खुद जज कर लीजिएगा कि 1 सही है 2 गलत है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, कहता है कि एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो करंट का मान बताइए। मान लीजिए कि एक परिपथ है जिसमें रेसिस्टर जुड़ा हुआ सीरीज में, बहुत सारा रेसिस्टर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो बताइए कि इसमें करंट क्या होगा, करंट आई हो जाएगा आई होगा, इससे क्या है इसमें 100 रेसिस्टर क्यों जोड़ दीजिए, करंट आई फ्लो रहेगा तो आई फ्लो करेगा, इसमें थोड़ा चेंज होगा, यानी यहाँ पर आपका करंट है जो सेम होगा। जबकि हम दोस्त पैरेलल की बात करें दोस्त, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपका दोनों एंड का वोल्टेज सेम होता है, जबकि इसमें आपका सीरीज में क्या होता है करेंट सेम होता है। तो ये सब कंसेप्ट है आपको याद करने होंगे क्योंकि इसी से प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए दोस्त तो आगे हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, एक कन्वेक्स मिरर है ठीक है दोस्त, तो उसका आपको फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है एयर में हवा में, अब कह रहा है उसको इमर्ज कर दिया गया एक लिक्विड में जिसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है यानी 1 से ज़्यादा है, तो कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन द लिक्विड विल बी, तो कह रहा है उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो दोस्त मैं बता दूं कि कोई भी वस्तु जिसका फोकल लेंथ यहाँ पे एफ है ठीक है, तो एयर में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 होता है ठीक है। अब इसको डाला जा रहा है क्या डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में डालने से उसका फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका फोकल लेंथ एफ का एफ ही रहेगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आगे आने वाले आरआरबी जेई और एनटीपीसी एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको आप रख सकते हैं नोट्स कर सकते हैं। चलिए दोस्त आगे हम लोग देख लेते हैं, एक आकृति दिया हुआ है, थोड़ा इसको इनलार्ज करते हैं क्योंकि जो फिगर है विजुलाइजेशन वाला है, तो विजुलाइजेशन वाले फिगर को थोड़े अच्छे से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें एक सर्किल है, सर्किल में 4 पैंडल लगा हुआ है, इसमें 3 पैंडल लगा हुआ है, इसमें 2 पैंडल लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी 4 पैंडल, इसमें 2 पैंडल, इसमें 3 पैंडल, इसमें 2 पैंडल, इसमें 4 पैंडल, जो बचा 3 पैंडल, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 पैंडल वाला आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए इसमें 3 पैंडल वाला कौन है, तो इसका 3 पैंडल वाला है दोस्तों ए, इसका ए है दोस्त, इसका राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन आपको
मतलब कि 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड में बनेंगे, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या दे रहा है दोस्त, ए यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर दे रहा है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि NH4 हॉल्ट वाइस SO4 में कितने अणु, में एक अणु में कितने परमाणु हैं, यानी कह रहा है कि जो एटम है, जो एक एटम है ठीक है उसमें कितने हैं, तो सॉरी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो दोस्त मैं बता दूँ कि आपको काउंट करने होंगे, तो काउंट करने होंगे तो देखिए NH4 आपका कह रहा था NH4 और हॉल्ट वाइस और SO4 आपके यहाँ लिखा हुआ है। नाइट्रोजन में एक एटम, हाइड्रोजन में चार एटम, दोनों मिलाकर क्या हुआ पाँच एटम, पाँच ट्वाइस कह रहा है, पाँच दूनी दस, और SO4 में सल्फर एक और ऑक्सीजन चार, यानी कितना हो गया 15, 10, 11, 4, 15 एटम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 15। और इस तरह का प्रश्न और आएगा, अब मान लीजिए दे दे ऐसे कि NH4 Cl में बताओ कितने एटम है इस मॉलिक्यूल में, तो इसमें बताइए आप कितना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि NH4 Cl में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच आपका दोस्त यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है 2, तो आपको बताना है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर कितना होगा। मैं इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में प्रश्न पढ़ देता हूँ क्योंकि उन्हें भी थोड़ी दिक्कत होती है ज़्यादा हिंदी में। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन इज द 2 एंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन इज व्हाट। दोस्त आपको एक संबंध याद होना चाहिए, 3 मीडियन आपको लिख लेना है नोटबुक में, -2 मीन बराबर मोड होता है दोस्त। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 मीडियन -2 मीन आपको यहाँ पे कहाँ गया, देखिए मोड एंड मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, मोड और मीडियन का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको इसको इस तरह से अरेंज करनी है, तो आप इसको क्या कीजिए कि इसे आपको इसको लिख सकते हैं क्या, मीडियन +2 मीडियन -2 मीन बराबर आपका हो जाएगा दोस्त मोड। यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये आपका वैल्यू कितना हो रहा है, तो ये आपका वैल्यू हो रहा है 1, 2 × 1 यहाँ पर हो जाएगा मीडियन, मीडियन माइनस मोड आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस मोड हो जाएगा यहाँ पे आपका होगा दोस्त। इसे मैं फिर से बनाता हूँ काफ़ी अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो गया यहाँ पे दोस्त। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा कि 3 मीडियन, देखो भाई क्लियर लिखो, मैं सोचता हूँ कि मैं एक चीज़ ही बताऊँ लेकिन क्लियर कर दूँ आपको, -2 मीन बराबर मोड होता है ठीक है दोस्त। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन, आपका मोड और मीडियन, तो क्या आप ऐसा कीजिए क्या कि इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 मीडियन +1 मीडियन तोड़ दो उसको, और -2 मीन बराबर यहाँ पे मोड, और ये जो एक मीडियन आपको इधर आप ले आइए तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, मोड माइनस मीडियन हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 × यहाँ पे मीडियन माइनस यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्त, मोड होगा दोस्त। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जब जैसे ही उधर जाएगा तो यहाँ पे आपका यहाँ हो जाएगा 2 × 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 × मीन माइनस मोड। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्त, तो आपको यहाँ पे मिलेगा आंसर, राइट आंसर इसका होगा दोस्त 1। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें, तय करें कि पूर्व धारणाओं में कौन सी कथन में अंतर निहित है। देखिए कहता है अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने साफ शहर को साफ रखें और अभियान में उसे अभियान में उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। जैसे मान लीजिए कि कोई शहर है ठीक है, तो वहाँ पे अपार्टमेंट एसोसिएशन वाले तो रहेंगे ही, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे भारत सरकार प्रमोट कर रही है स्वच्छ भारत की, तो उन्होंने भी स्वच्छ भारत के लिए एक पखवाड़ा रखा ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उनको जो लोकल लोग थे वहाँ के निवासी, तो उनसे उनको सपोर्ट नहीं मिला। चलिए ये तो कथन हुआ, पूर्व धारणा देखते हैं कि पूर्व धारणा क्या है। ये कहता है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं ठीक है, एसोसिएशन अभियान असफल रही। देखिए दोस्तों ये तो क्लियर दिख रहा है कि एसोसिएशन अभियान है जो क्या रही, असफल रही। लेकिन यहाँ पर हमको देखना क्या है, यहाँ पर देखना है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे आपका मैं पहले इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में बोल देता हूँ ताकि उनको भी और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्त तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंसीडर द गिवन आर्गुमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज या आर इम्प्लिकेट इन आर्गुमेंट्स। कहता है कि आर्गुमेंट आपका दिया हुआ है द कैंपेन ऑफ द स्वच्छ भारत
keep your citizen clean, started by the apartment association, did not bring much response from its residents. एग्जाम्पन आपका है दोस्त, रेसिडेंट डू नॉट विश टू कीप देयर अपार्टमेंट क्लीन एंड द एसोसिएशन हैड फेल्ड इन द कैंपेन. चलिए दोस्त हम लोग आवाज देखते हैं इसको हिंदी वाले को, फिर से देखते हैं कि हिंदी वाले क्या कहता है. हिंदी वाले ही कहता है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत, अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों ने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, उससे मतलब ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर दिखा कि जो एसोसिएशन अभियान है जो असफल रही, तभी तो नहीं दिखा वो ऐसा कुछ भीड़ जुटा ही नहीं पाया. जैसे कोई रैली होती है, रैली में भीड़ जुटता ही नहीं है तो क्या होता है, उस रैली को फ्लॉप माना जाता है. इसका गलती, इसका मतलब गलती किसका है, गलती किसका है, गलती जो नेता का है जो रैली बुलवाया और उस तरह का व्यवस्था नहीं किया कि लोग वहाँ पहुँचे. तो उसी तरह यहाँ पे एसोसिएशन अभियान असफल रही. और देखिए दोस्त यहाँ पे स्थानीय लोगों, ऐसा कुछ इससे नहीं पता चलता कि स्थानीय लोग साफ नहीं रख करते. मान लीजिए कि आप किसी की रैली में नहीं गए तो ऐसा थोड़ी से एग्जेप्शन हो रहा है कि आप उसको किसी नेता को वोट नहीं दीजिएगा. मैं वोट दूंगा लेकिन मैं तुम्हारी रैली में क्यों जाऊँ, हो सकता है किसी पास टाइम नहीं होगा. तो इस तरह के कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन बनाने में. ठीक है दोस्त, आगे हम लोग देखते हैं. कहता है कि संवेग किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, मोमेंटम. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो मोमेंटम मास, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, मास गुणे वेलोसिटी. तो यहाँ पे द्रव्यमान गुणे वेग हम लोग बोल सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है दोस्त, आगे हम लोग देखते हैं कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही. एक क्वेश्चन है कि कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही आपको पता करना है. और जो कथन दिया हुआ दोस्त उसमें दिया हुआ है कंपनी एबीसी 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग, या नग क्या होता है यूनिट. यहाँ पे यानी एक यूनिट, यानी एक यूनिट साबुन का दाम 70 रुपये, जबकि बात करें हम टोटल जो साबुन बिका है वो 75,000 बिका है. यहाँ पर टोटल आपका यहाँ पैसा उसका निकल सकता है 75,000 गुना 70, यानी इतना रुपये का उन्होंने क्या किया, टर्नओवर किया है. स्टेटमेंट वन से आपको पता चल रहा है, जबकि स्टेटमेंट टू से दोस्त उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है. जब दोनों स्टेटमेंट को आप देखिएगा तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कैसी बिक्री रही, दोनों आपका यहाँ पे जरूरी है. तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ दोस्त. इसका आंसर दिया हुआ है कथन एक और दो दोनों उचित जवाब देने के लिए प्राप्त है, यानी आपको दोनों इम्पोर्टेंट है. चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. अब थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्त क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है. चलिए क्या था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब. जो द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब है जो बुक है उसका ऑथर कौन है, जो कि बीच इज द करेंटली शॉर्टलाइज फॉर द इंटरनेशनल डब्लिन लिटरेसी अवार्ड, जिसे इंटरनेशनल डब्लिन इंटरनेशनल अवार्ड से इसको चुना गया था उसके लिए. दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त यहाँ पे आपका चेतन भगत जी का एक किताब है, तो चेतन भगत जी का राइट आंसर होगा. यहाँ पे एक और फिर से देख लीजिए कि द एसोसिएशन ऑफ द स्मॉल बॉम्ब, इसका जो लेखक है वो चेतन भगत हैं. फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 16,000 की राशि पर 6 साल अवधि के लिए 5 साल की दर से वार्षिक दर से कितना ब्याज होगा. तो ऐसे रखा था दोस्त पी गुने आर गुने टी बाई 100. आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना, आंसर लाना है. इसका आंसर 480 होगा. आगे देखते हैं कहता है वह पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, खाली स्थान समूह से संबंधित हैं. ठीक है दोस्त, यानी कि आपको जैसे जब इसमें दुनिया की शुरुआत हुई होगी तो एक जो पहले पौधा आया था उसका नाम था थैलोफाइटा. तो उसमें क्या होता था, वो दिखने में नहीं लगेगा आपको वो पौधा है, ना उसमें जड़ होती थी ना उसमें तना होते थे, मतलब कुछ नहीं, बस इसी मतलब कि आपको मतलब आप बोल सकते दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ द प्लांट, मतलब कोई भी पेड़ पौधा का जो इनिशियल फेज होता उस तरह का था. तो दोस्त इसका राइट आंसर देखते हैं तो आपका यहाँ पर थैलोफाइटा इसका राइट आंसर यहाँ दिया हुआ दोस्त. ब्रायोफाइटा आपका नहीं होगा, ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि आपका उसमें लीफ क्लियर दिखता है, तो यहाँ पर थैलोफाइटा हो जाएगा दोस्त. आगे हम लोग देखते हैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 9 × 6 = 45 दिया हुआ है, 7 × 4 = 33 दिया हुआ है, 6 × 4 = 20 दिया हुआ है, तो 5 × 3 = कितना होगा. दोस्त आपको क्या करना है कि 9 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 81 - 36 कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 45 मिलेगा, जबकि आप 7 × 4 = 7 कीजिए 49 - 16 कीजिएगा तो आपको 33 मिलेगा. जबकि हम बात कर लें दोस्त, आपको हम यहाँ बात करेंगे आज कि 49 - 16 = 33, उसी तरह हम 6 × 36 - 16 = 20, तो उसी तरह आपको 25, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 - 9 करेंगे तो यहाँ पर आपका दोस्त आएगा 16, यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 20 16. चलिए 16 इसका राइट आंसर हो गया. आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, कहता है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो खिड़की तक पहुँचती है. देख भैया 13 मीटर लंबा एक सीढ़ी है खिड़की तक पहुँच गया, ठीक है. इसके बाद कहता है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है, यानी कि यहाँ पर इसका हाइट 12 दिया हुआ. अब क्या कहता है कि उसी पाथ यानी यहाँ से इसको दूसरी तरफ सीढ़ी को खिसका देता है, और इस बार कहता है कि 5 मीटर हाइट तक पहुँचती है, तो 5 मीटर हाइट तक पहुँचेगी. चलिए 5 है फिर 13 ही रहेगा, 13 तो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि सेम सीढ़ी है,
तो ये आपका कितना जाएगा दोस्त, आप ट्रिपलेट जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया हुआ है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो बेस का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। उसी तरह आपका यहाँ पर बेस का स्क्वायर, यहाँ पर बेस आप निकाल सकते हैं, तो दोनों को जोड़िएगा दोस्त, यहाँ से आपको 5 मिलेगा, यहाँ से आपको 13 मिलेगा, सॉरी 12 मिलेगा, तो 12 5 17 17 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन में कौन सा 17 है, तो चौथा नंबर ऑप्शन 17 इसका राइट आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कहता है कि एज इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ विच ऑफ दिस प्रोडक्ट, कहता है जो ऑप्शन 4 है, 4 में से कौन से प्रोडक्ट का जो प्राइस बढ़ेगा, तो जो रिपल इफेक्ट करेगा इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ मेनी प्रोडक्ट, मतलब एक चीज़ का प्राइस बढ़े सभी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए। दोस्तों ऑप्शन देखिए दवाई, क्या दवाई का प्राइस बढ़ेगा सभी चीज़ का दवाई बढ़ जाए, सॉरी दाम बढ़ जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्टफोन का बढ़ेगा तो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्टफोन का जो प्राइस बढ़ेगा तो टमाटर का क्या प्राइस बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। पेट्रोलियम का, हाँ जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम का यदि पदार्थ का दाम बढ़ जाए तो इससे जो मान लीजिएगा आप सब्जी जो आपके यहाँ आती है, सब्जी जो माल ढुलाई का जो खर्च होता है वो भी बढ़ेगा, माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा तो आपका सेल सब्जी का रेट भी बढ़ेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कोई एक आपका रेलगाड़ी है चलती है, 100 मीटर पुल को पार करती है 10 सेकंड में। देखिए दोस्त उसका मान लीजिए कि उसका खुद का लेंथ होगा x प्लस 100, टोटल इतना दूरी हो गया, डिवाइडेड बाई करेंगे 90 को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 5/25 यानी यहाँ बराबर 10 सेकंड। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x प्लस 100 बराबर हो जाएगा आपको यहाँ से 250, यानी 100 कितना हो जाएगा दोस्त, 100 बराबर 150, ये राइट आंसर होगा 150। यहाँ पर दे भी रहा है 150 आंसर। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल कंसेप्ट यूज किया, कोई मैंने लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं किया हूँ, मैं यही यूज किया हूँ कि डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर आपका होता है यहाँ पर टाइम। तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, मैं एक मान लिया हूँ उसके लेंथ और उसका आपका प्लेटफॉर्म का दिया हुआ था दोस्त 100 मीटर, और यहाँ पे स्पीड को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड को दिया होता है किलोमीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना होता है। तो आपके यहाँ से मैंने 5/18 से गुना किया है और आपका स्पीड 90 दिया होता है, तो 5 से तो कितना हो 5/25, और यहाँ पर आपका 10 टाइम 10 सेकंड दिया होता है दोस्त। आप इसको आराम से कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए आगे कहते हैं कि 4 किलोग्राम भार की वस्तु की क्षैतिज दिशा में, यानी 4 के जगह क्षैतिज दिशा हॉरिजॉन्टल में, उसको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, अब क्या कहता है इसे गति बढ़ा दिया जाए, कर देगा 10 मीटर पर सेकंड। तो कहता है दोस्त इस पर कितना कार्य किया गया, दोस्तों इस पर कितना कार्य किया गया, तो आपको निकालने के लिए सेम आपको यूज करना होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv² होता है, ½ mv² तो हाफ गुने आपका एम आपका दिया हुआ 4 के जी, वेलोसिटी आपका 10 × 10 दिया हुआ दोस्त, यहाँ पर आप 2 यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको क्लियर अब दिख रहा होगा दोस्त कि यहाँ पे आपको ½ mv² यहाँ से आपको मिलेगा 200। चलिए और देख लेते हैं उससे हमको कितना मिलता है, तो ½ mv² तो 4 × 5 × 5 करेंगे 2, यहाँ से आपको 50, तो टोटल आपको नेट कितना खर्च करना पड़ेगा दोस्तों, तो 150 जूल आपको और एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा दोस्त 150। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कहता है ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा दोस्त, कोई वीडियो को काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपको क्या करना है कि इसको आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं बस आपको कंसेप्ट दे दूंगा। तो दोस्त अब कहता है कि अब से 7 साल बाद विराट है जो महिंदर से दुगुना बड़ा होगा, मान लीजिए अभी विराट का उम्र 1 से, ठीक है, महिंदर का उम्र कितना है 22 है, आज से 7 साल बाद, 7 साल बाद दोनों में 7 साल बढ़ा दीजिए। अब क्या कहता है कि आज से विराट है जो महिंदर से दुगुना बड़ा होगा, विराट यहाँ पे विराट है और महिंदर है, तो विराट है जो महिंदर से दुगुना होगा, इसका मतलब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, महिंदर को दुगुना करना पड़ेगा। और अब क्या कहता है 5 साल पहले, अब कहता है एक्स माइनस 5 कीजिए और वाई माइनस 5 कीजिए, इसमें कहता है कि विराट की आयु ये 2/5 भाग से 1 वर्ष कम थी, जो महिंदर की आयु थी, जो विराट यहाँ पर आपके इधर है, विराट का जो 2/5 वर्ष आयु उससे 1 वर्ष कम है, तो आपको यहाँ पे 2/5 × x-5 बराबर करना है, वाई माइनस 5 आपको करना है +1, क्योंकि 1 वर्ष कम है, तो इधर 1 जोड़ देंगे और 2 इक्वेशन आपको मिल गया, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, आपको यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक साइंस वगैरह नहीं लगानी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे, जो आपका 4 ऑप्शन उसमें से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष कौन थे, अमर सेन थे क्या, नमदे हेबतुल्ला थे क्या, विवेक देवराय था क्या, या फिर अमित मिश्रा था दोस्त, तो आपका राइट आंसर होगा विवेक देवराय। चलिए आगे देखिए हम लोग देखते हैं, कहता है कि जो निम्नलिखित में कौन सा आम लाल चिट्ठियों में उपस्थित होता है, लाल चिट्ठी होती है दोस्त तो काटती है थोड़ा हम लोगों दर्द भी होता है, तो उसमें कौन सी अम्ल होती है दोस्त, उसमें होती है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। आगे देखते हैं हम दोस्त एक मैथमेटिक्स से, काफ़ी आसान क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इसको वीडियो को आप पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को लगाइए दोस्त, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से प्रश्न को लगाऊंगा, क्योंकि टाइम काफ़ी
टाइम की काफ़ी किल्लत है दोस्त। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का था कि उस धातु का नाम बताइए जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्त मैं बता दूं कि जो आसानी से चाकू से काटा जाए उसे हम लोग बोलते हैं सोडियम। चलिए, और सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में रखते हैं क्योंकि सोडियम को हम लोग खुले रख नहीं सकते, उसमें कहा था कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो रिएक्ट कर जाएगा हमारे एटमोसफियर से। चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं एक लड़की की तस्वीर देखकर निशा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप इसको बनाइएगा। दोस्त यदि नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए स्पेशली आपका वीडियो बना दूंगा, एक छोटा वीडियो होगा उसके लिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। इसमें क्या कहता है, राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। देखिए तो इससे क्लियर हो रहा है, कोई आदमी भारत के सभी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी भाग को देख ले, दर्शन कर ले, इसका मतलब वो आदमी बिल्कुल यात्रा का शौकीन है। अगला देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट टू क्या कहता है दोस्त। तो दोस्त स्टेटमेंट टू यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। तो ये कुछ ऐसा इससे सेंस नहीं पा रहा है, यदि इससे क्लियर ही नहीं हो रहा कि राजू को यात्रा पसंद है, कोई अपना दोस्त के साथ रहेगा तो क्या उसे यात्रा पसंद है, नहीं। तो स्टेटमेंट वन सिर्फ सही है, स्टेटमेंट टू गलत है। देखिए दोस्त आंसर क्या दे रहा है, आंसर ये भी दे रहा है कि स्टेटमेंट वन आपका पर्याप्त है, केवल टू परंतु बाकी टू है जो पर्याप्त आपका नहीं है। चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद के बैंक के MD और CEO कौन है। तो इलाहाबाद बैंक की MD और CEO है उषा अनंत सुब्रमण्यम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक्स बाई दोनों में से बेहतर नर्तक कौन है, डांसर कौन है। तो दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कहता है एक्स ने अधिक ऑडिशन दिया है। देखिए दोस्त ऑडिशन बहुत ज़्यादा एक्स दिया है और बाई है जो बहुत ज़्यादा आर्थिक सॉरी बाई है जो बहुत अधिक मंच का प्रदर्शन मतलब मंच का अधिक प्रदर्शन किया है। ठीक है दोस्त, ऑडिशन देने के लिए ऑडिशन को भी देते हैं, या तो अच्छा आप गाते हो या खराब गाते हो, या फिर अच्छा आप डांस करते हो या खराब डांस करते हो, आप ऑडिशन बहुत जगह दे सकते हो, लेकिन आपको स्टेज तभी मिलेगी जब आप रियल में अच्छे हो। तो इसका बोल सकते हम लोग दोस्त कि जो स्टेटमेंट जो दू है क्लियर कर देता है कि यहाँ पे आपको बाई एक बेहतर क्या है, नर्तक है, डांसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर अकेले पर्याप्त दू है जो आपको पर्याप्त है बताने के लिए कि कौन इसमें बढ़िया डांसर है, अकेले एक पर्याप्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि हंस 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 का हंस हंसो, यानी आपका इसका क्या कह रहा है, इसका भाववाचक संज्ञा बना दिया। तो उसी तरह क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, बताना है आपको कि पतलून का पतलून हो, कमीजों का कमीज ईद होगा नहीं, मोजों का मोजा भी नहीं होगा, जैकेट जैकेट भी नहीं होगा। दोस्त यहाँ पतलून का पतलून हो, यहाँ भी यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए दोस्त इसमें भी आपको बहुत आसान प्रश्न है, इसमें क्या किया है, ABC आपका देखिए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट वाला देखिए, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट, तो यहाँ पे लिख दिया है। तो उसी तरह आपको देखिए यहाँ पे डॉलर है, हैच है, ई है, डॉलर देखिए गिनी इधर से, जैसे आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 छठा पे आपका हैच आ रहा है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 दोस्त यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका एच आ रहा है। उसी तरह आपको अगला बार देखिए हैच है, तो हैच देखना है कितना नंबर ऑफ काउंटिंग से गिनना है, फिर इधर से इसका काउंटिंग गिनना है, उसी तरह फिर ई का काउंटिंग गिनना है, फिर इधर से भी ई का काउंटिंग गिनना है। तो बस इसमें यही चीज करना था, कुछ नहीं था दोस्त। इसका राइट आंसर होगा IH और वट, दो इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्त एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई है जो पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब एक किधर चल रहा है तो किधर चल रहा है, मान लीजिए एक किधर चल रहा है तो किधर चल रहा है। अब क्या कहता है कि जब एक दूसरे से दोनों मिलते हैं तो वाई का जो छाया है जो सीधे एक्स पे पड़ती है, मान लीजिए कि वाई एक्स है, इधर से मेरा सन है पूर्व दिशा है, तो यहाँ से इसका जो वाई का छाया बनेगा इधर बनेगा, इसके सामने बनेगा, यहाँ से आप क्लियर बोल सकते हैं कि जो एक्स है जो पूछ रहा है कि एक्स किधर कौन सा दिशा में खड़ा है, तो एक्स का मुंह तो इधर होगा दोस्त पूरब की ओर, बाई का मुंह भी पश्चिम की ओर होगा, तभी तो पश्चिम जो बाई का जो शैडो बनेगा एक्स की ओर। तो आप बोल सकते हैं कि जो है एक्स है जो आपका पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, नहीं तो फिर से दिखा दूँ आपको, यहाँ पे आपका एक बॉडी है, एक ए बॉडी है, बाई आपका है, फिर एक्स है, इसका मुंह इधर की ओर है, इसका मुंह इधर की ओर, दोनों दूसरे खड़ा है, इधर आपका सन है ईस्ट इधर होता है, शैडो इसके सामने बन रहा है बाई के सामने, इसका शैडो सॉरी एक्स के सामने इसका शैडो बन रहा है बाई का, इसका मतलब एक्स किधर देख रहा है, एक्स आपका देख रहा है ईस्ट की ओर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, कहता है कि किसी क्लास में 9 छात्र हैं, ठीक है, कुछ छात्राएं हमारी छात्राएं एक्स थी। अब कहता है कि किसी परीक्षा में छात्रों को प्राप्तांकों का औसत 12 है, टोटल इसका औसत है जो 12 है, ठीक है, लेकिन इसमें कहता है कि जो छात्रों का जो औसत है जो 12 है जबकि छात्राओं का औसत 14 है, तो 12 × 9 + 14 × x बराबर क्या करना है, टोटल इसका औसत है जो 13.1 है, तो 13.1 × 9 + x, तो आपको यहाँ पर सोल्व करना है। एवरेज का काफ़ी आसान क्वेश्चन, तो आप इसे लगा सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन को मैं क्या बताऊँ, इसमें आपको त्रिभुज गिनने हैं, त्रिभुज कितने हैं, तो जैसा कि दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज 5 6 7 8 यहाँ हो गया
एक नौ, एक दस, एक आपका ये वाला होगा ग्यारह, एक आपका ये होगा बारह। नेक्स्ट राइट आंसर होगा दोस्तों बारह त्रिभुज। देखिए बारह त्रिभुज दे भी रहा है, तो इसमें कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था, आप इसे आसानी से लगा सकते थे। दोस्त आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 59, इसमें कहता है इसमें कौन सा सेप्रोट्रॉप्स हैं। तो दोस्त सेप्रोट्रॉप्स की बात करें तो हम कुकुर मुता है यहाँ पे सेप्रोट्रॉप्स है, बाकी ऑप्शन देखें तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि इसमें कोई सेप्रोट्रॉप्स नहीं है। जैसे कबूतर तो हो नहीं सकता है, पुरुष तो हो नहीं सकता, सवाल तो हो नहीं सकता है, तो कुकुर मुता मशरूम इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल है, उसमें तीन टैंकर है, ठीक है, ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। तो ए बी सी तीन टैंकर है, उसको स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भर देता है। लेकिन क्या है आपका जो टैंकर सी है जो बी से दुगना है, मान लीजिए ए बी सी ये आपका 2x है तो ये आपका 4x है। सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका रहा कि बी है जो टैंकर ए से दुगना है, टैंकर एक्स है, बी 2x है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ए एक्स टाइम में भरता है, ये 2x टाइम में भरता है, बी और सी है जो 4x टाइम में भरता है। इसको आपको यूज करके बताना है कि दोस्तों अकेले ए है जो कितना देर में भरेगा। दोस्तों इसको आप आसानी से बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पर 70 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किस बराबर होती है। देखिए दोस्त एटॉमिक नंबर या मास नंबर से बोलते हैं बराबर होता है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको बोल सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या माइनस सॉरी द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पे दे भी रहा दोस्त कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक शंकु दिया हुआ है, ठीक है दोस्त, एक शंकु आपको मैंने दे दिया और एक दे दिया है क्या एक गोलार्ध। अब कह रहा है जिसके शंकु का जो हाइट है, मान लीजिए हाइट इसका 3R है यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तिहाई क्यों कह रहा है, तो रेडियस इसका क्या होगा आर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यूज करना है 1/3 πr² और एच की जगह 3R यूज कर देना है, और इधर 4/3 πr² होता है, सॉरी 4/3 πr³ होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो दोनों को निकालना है दोस्त, और निकालने के बाद आपको उसके रेडियस का जो R1 और R2, इसका रेडियस मान लीजिए कौन का R1 इसका R2 है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्त यहाँ पर आएगा आपको आपका √4 और √3। तो मैंने बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कौन सा रिलेशन आपको यूज करना है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है दोस्त, पीर पंजाल रेलवे सुरंग आपको स्थित है जम्मू कश्मीर में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंद है, लाल रेड इसको है, नीला ब्लू मान लीजिए। इसलिए तो कहता है कि इसमें क्या है, उसमें से आपको 44 है जो लाल है, अब जबकि बात करें नीले की दोस्तों नीले 36 है। लेकिन कहता है कि इसका जो रेशियो फिक्स है लेकिन नंबर ऑफ काउंटिंग फिक्स नहीं है। तो अब कहता है कि नीली गेंद 54 है, अब कहता है कि नीली गेंद 54 होता तो ये रेड कितना होगा। तो आप पहले इसका निकाल दीजिए कि 11/44 9/36 11/9 रेशियो में, तो ये आपका 9/6 54 6 से गुना हो रहा, तो ये भी 6 से गुना कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे रेड कितना हो जाएगा 66 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आप इसको बना सकते हैं 66 इज राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे इसमें से कौन सा जो जो संबंधित नहीं है। देखिए दोस्त बाहर क्या, बाहर आपका 5 भुज है तो अंदर 6 भुज है, बाहर आपका 4 भुज है तो अंदर 3 भुज है, बाहर आपका 3 भुज है तो अंदर 4 भुज है, बाहर आपका 4 भुज है तो अंदर 5 भुज है। देखने का जो ये तीनों में देख रहे हैं तो क्या कह रहा है कि बाहर आपका कम है और अंदर आपका ज़्यादा है नंबर ऑफ साइड। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पर बाहर आपका 4 भुजा है लेकिन अंदर आपका 3 भुजा है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा ही सबसे अलग है। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि विद ऑथर ऑफ द बुक हाफ ऑफ व्हाट आई से, तो इसका ऑथर है अनिल मेमन। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि मेंडलीफ का जो आवर्त सरणी है, जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है उसमें प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, तो मेंडलीफ वाले किसको माने थे बेस, उसको माने थे एटोमिक मास को, जबकि जो आज नया वाला जो हमारा जो है पीरियोडिक टेबल तो मोसले का है, मोसले जो एटोमिक नंबर को बेस माना था, जबकि मेंडलीफ है जो माना था एटॉमिक मास को बेस माना था दोस्तों। इसलिए आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक टेप दिख रहा है, यहाँ पे आपको कैमरा दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिस इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। ऐसे ऑप्शन हम लगाते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है ऐसे हम कुछ नहीं कह सकते। फाइन आर्ट्स क्या है, फाइन आर्ट्स यहाँ पे फाइन आर्ट्स की चीज़ आपको दिख रही है क्या, यहाँ पर चित्र आपको दिख रही है क्या, यहाँ पर रॉयल दिख रही है या फिर यहाँ पर संस्कृति दिख रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाइएगा तो देखिए पहले कैमरा था, फिर आपका ये आया, फिर ये आया, आप इस तरह से टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एडवांसमेंट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्त यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन, मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि दोस्त ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो जो आसान सा ज़्यादा प्रश्न है उसे मैं नहीं कर रहा हूँ डिस्कस। चलिए आगे देखिए दोस्त, अब अगला क्वेश्चन कहता है ये आपका मेन वाला था, आसान क्वेश्चन है, भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ कड़ा क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इफिशियंसी का ध्यान रखना है। इसमें दो तरह का मजदूर है, एक टाइप ए का मजदूर है, टाइप बी का मजदूर है। टाइप ए का मजदूर है
जो है तीन गुना ज़्यादा काम करते हैं, यानी इनका एफिशिएंसी तीन है तो इनका एफिशिएंसी एक है, एफिशिएंसी है, दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। अब क्या कहता है, बारह जो एक ए टाइप का 12 मजदूर हैं जो 10 दिन में किसी काम कर लेते हैं। अब कहता है उसी प्रकार आपका जो चार है जो पहले प्रकार, चार है जो ए प्रकार का मजदूर लिया गया और आठ है जो बी प्रकार का मजदूर लिया गया, तो बताइए कितने दिन में काम कर देंगे। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ए है, जो ए का एक आदमी काम करेगा ना, जो बी का तीन आदमी मिलकर बराबर करेगा अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं बारह, जो बारह जो आदमी ए का है, इसका मतलब 36 आदमी है जो बी का जो काम करेगा 10 दिन में। अब क्या कहता है, अब कहता है कि आपको यहाँ पे कि जो चार है जो पहले आदमी कर दिया गया है, चार को पहले इसको हम कन्वर्ट कर दो बी में, तो आपको कितना 36 12 12 आदमी मिलेगा प्लस यहाँ पे आपको 8 सेकंड वाला 20 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 36 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक एक आदमी करेगा 36 × 10 बटे करेगा कितना, आपको 20 आदमी कितने दिन करेगा, तो 20 डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर 18 आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 18 दिन आएगा आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर हर नीति में ईमानदारी होना जरूरी है। देखिए, क्या हम कानून बना रहे हैं तो हर नीति में ईमानदारी होना जरूरी है? नहीं दोस्त, ये आपको देश हित की भावना को देखकर भी नीति बनती है, तो इसमें से कहा, इसमें से कोई भी सही नहीं है, यानी दोनों गलत है दोस्तों। देखिए आंसर इसमें क्या दे रहा है, कि ना तो अनुमान एक सही है ना तो दो सही है, दोनों निहित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पे आपको बॉयज जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल आपका एथलीट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका जो रेक्टेंगल है दोस्त वो आपका डिसिप्लिन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आपको कह रहा है कि आपको एक ऐसे लड़के को खोजना है जो एथलेटिक्स है, लड़का की बात करें तो बॉयज आपका जो बड़ा रेक्टेंगल है उसमें हो गया। ठीक है दोस्त, अब क्या कहता है, जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स से बात करें दोस्त, एथलेटिक्स आपका सर्किल, सर्किल में आ गया, सर्किल के अंदर जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट आपका कितना ट्रायंगल, यानी कि आपको जो रेक्टेंगल सर्किल और ट्रायंगल के बीच में हो, तो देखिए आप उसमें कौन है, तो आपका रेक्टेंगल सर्किल और ट्रायंगल जो तीन है दोस्त, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन। चलिए आगे देख लेते हैं, तीन कौन सा ऑप्शन में दिया, चौथा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर इसका चौथा हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि तमिलनाडु में जो नियुक्त नए राज्यपाल हैं, देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहा है, तो नए राज्यपाल कौन थे दोस्तों, इसको बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कि आपको नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे प्रतीक जिनसे ठीक पहले कोई संख्या आती है, यानी कि सिंबल है, ठीक है, सिंबल से जस्ट पहले कोई संख्या आती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, मैं थोड़ा यहाँ पर इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए यहाँ पर सिंबल क्या है, यहाँ पर डॉलर है, डॉलर के पहले दो है संख्या, एक आपको हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपका फिर कोई नंबर देखिए, यहाँ पे सात देखिए, सात, तो सात के बाद क्या है, लेटर आ रहा है, सिंबल तो आ नहीं रहा था, इसका आंसर आएगा, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, एक ही आ रहा है बस, वैसा कि जिसका आगे नंबर है और उसके बाद फिर सिंबल है। चलिए मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेटर अलग हो गया, सिंबल अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को, कहता है कि कुछ फल सब्जियाँ हैं, यहाँ पे आपको कुछ फल है, एफ लिखे फल सब्जियाँ, सब्जियाँ हैं, ठीक है, और कुछ सब्जियाँ खाद्य नहीं है, कुछ सब्जियाँ जो खाद्य नहीं है, ठीक है, कुछ खाद्य नहीं, कुछ खाद्य नहीं है, मान लीजिए इतना जो पाठ है खाद्य नहीं है। अब कहता है निष्कर्ष क्या है कि कुछ फल खाद्य नहीं है, इस कह रहा है कुछ फल भी खाद्य नहीं है क्या, फिर यह कह रहा है कुछ सब्जियाँ कहाँ गया आपका, कुछ सब्जियाँ फल हैं। तो दोस्त आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपका होगा जो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको, कुछ फल, कुछ फल हैं, सब्जियां हैं, सब्जी हो गया, लेकिन कुछ सब्जियां जो खाद्य नहीं है, खाद्य नहीं है, यानी ये वाला पार्ट खाद्य नहीं है। देखिए दोस्त, इसका पहला ऑप्शन क्या कहता है, इसका इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश में देखते हैं, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ यार, कट जाता है, फल सब्जी और हाँ खाद्य। देखिए सम फ्रूट्स आर नॉट ईडिबल, कहता है कुछ जो फ्रूट्स हैं ईडिबल नहीं है, खाद्य योग्य नहीं। एक चाप इसमें आप गलती देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे इनके कंक्लूजन में इसको मैं थोड़े अच्छे से फिर से क्लियर करता हूँ, कहता है कि कुछ फल खाद्य नहीं है, कुछ, अरे यार क्या हो रहा है, पहले हम ये देखते हैं कि कुछ फल हैं जो सब्जियाँ हैं, ठीक है, और कुछ सब्जियाँ खाद्य नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फल खाद्य नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कुछ फल है जो खाद्य नहीं है और कुछ सब्जियां फल है, तो कुछ सब्जियां फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो टू वाला है, टू वाला उसका नीत सही हो रहा है, दो को फॉलो कर रहा है लेकिन एक को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों, इसका हो गया आंसर आपका टू। यदि आप जो भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझे हैं, क्योंकि दोस्त ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और मैं काफ़ी ये हो गया कि इतना लंबी वीडियो लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो इसके लिए आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, यदि आपको मैं कुछ क्वेश्चन को छोड़ा है तो उस क्वेश्चन को आप
मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा दोस्त, क्योंकि समय की भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये थे 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपको मैंने बहुत सारा प्रश्न दिखाया, कुछ प्रश्न साइंस के थे, कुछ प्रश्न थे रीजनिंग के थे, कुछ प्रश्न मैथ के थे और कुछ आपके जीएस के भी प्रश्न थे दोस्तों। तो इसी तरह के प्रश्न आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी में आएगी। तो आप, ये तो मेरा पहला एपिसोड था और इसी तरह और क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने से फायदा ही होगा दोस्त कि मैं जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं इस वीडियो को डाल दूंगा, अगले जो टेस्ट सीरीज 2 है, प्रैक्टिस सेट 2 है, उसको भी मैं डाल दूंगा। तो आप निरंतर अपना तैयारी को आप जारी रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।